हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 9:20 और मैं काम करके नहीं, मैं अपनी तरह से एकदम फ्री हो गई हूँ। पूजा मेरी सब हो गई है और आज है एकादशी, तो किसी को नाश्ता तो करना नहीं है क्योंकि मौसी के घर पे सब एकादशी का उपवास करते हैं। और आज डायरेक्ट दोपहर को फराड़ी होगा, तो अभी सुबह 9:30 नहीं बजे, फिर भी कुकर में आलू उबालने के लिए रख दिए हैं क्योंकि फराल थोड़ा जल्दी होगा आज। और अश्विन चले गए हैं दुकान पे क्योंकि उसको बहुत सारा वहाँ पर काम था आज के दिन, क्योंकि 1 तारीख से दुकान चालू करने वाले हैं आइस गोला का, तो उसको थोड़ा सा काम था तो वो चले गए हैं दुकान पे। और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी है। तो वैसे तो अश्विन को मैंने सुबह सुबह विश कर दिया है, उसने भी मुझे विश किया है, लेकिन जब वो आएंगे तो वापस से विश करेंगे। और उसके लिए मैंने एक सरप्राइज भी रखा है, तो सरप्राइज क्या है मैं तब भी रिवील करूंगी, जब अश्विन आएंगे तो उसको सरप्राइज देंगे। तो और आज घर पे काम है, मौसी के घर पे ऊपर छत का जो रूम है, छत वाला, वो थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती रहूंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 12:45 सुबह का बासी काम करके अभी फ्री हुए हैं और अभी दोपहर में फराल में क्या बनेगा तो चलिए दिखाती हूँ आप। आज फराल के लिए हम बनाएंगे साबुदाना की खीर और यहाँ पे आलू की सूखी भाजी बन रही है और मोरिया की खिचड़ी भी बनेगी, तो मिलते हैं आपको खाने पे। मैं नीचे फराल में बिजी थी और यहाँ पे देखिए तहस नहस कर दिया है सब कुछ। और ये रूम मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा का पूरा रूम अभी खाली करना है, फिर इसको साफ करेंगे क्योंकि ये सब कुछ साफ करके फिर आपको ये कैसा दिख रहा है। देखिए पूरा का पूरा छत अभी कपड़ों से भरा हुआ है और यहाँ पर गद्दे, फिर ये रजाई सब सुखाने के लिए रख दिया है। और ये जब क्लीन हो जाएगा तो उसका भी हम आपको फोटो दिखाएंगे। ओके, रोकता नहीं, आम नाम जाओ बेन दमाटी आओ। वजन लागे तो कहीं बराबर आलसे और थोड़ा अच्छी बैंग ना करियो। पुगी सीढ़ी है, पुगी और जब पुगी की उबारे जो कर नहीं था। अभी खाना खा के फराड़ कर लिया है और अश्विन और अक्षय दोनों मेहनत करके ये सेट ले जा रहा है ऊपर ऊपर के रूम में, ये ले जानी है तो अभी जा रहे हैं लेके। अभी यहाँ पे जो क्रॉस आता है ना, वहीं पे प्रॉब्लम आती है ऊपर ले जाने में, बाकी तो ऐसे चढ़ जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी देखो मेहनत से लेके तो जा रहे है। यहीं पे फंस जाएगी। ये नो हो थाई। हेलो पाल। अबे ये मुकी जाए। तो सेटी ऊपर चढ़ाने के बाद अश्विन सीधे चले गए थे दुकान पे क्योंकि उसको वहां पर थोड़ा काम था, काम निपटा के अभी आए हैं। तो हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू। थैंक यू। अभी अपना मोबाइल खोलो, मैंने जो सरप्राइज की बात की थी वो मैंने अश्विन के मोबाइल में भेजा है, तो अभी हम देखते हैं क्या है सरप्राइज। यस, खुलिए खुलिए। किधर है? वाह, कैसा लगा सरप्राइज हमारा? सुपर एकदम। तो ये है क्या ब्लॉग भी? हाँ, तो ये पेंटिंग मैंने बनवाया है, वो पेंटिंग अभी सिर्फ हमारे मोबाइल में फोटो ही आई है क्योंकि आज संडे था इसलिए कुरियर आ नहीं सकता, तो 2 दिन के बाद आएगा, इसलिए सिर्फ हमें फोटो भेज दिए। 2 दिन के बाद जब पूरा फ्रेम बन के फोटो आ जाएगी तब मैं वापस से आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो बस फोटो आई है और मैंने आपको बोला था कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तक मैं हमारी फोटो और वीडियोस यहाँ पर डालती रहूँगी, तो आज की जो वेडिंग की
आज 4 बजे तो शादी शादी करके घर पे आ गए थे ना। हाँ अभी तो 4 बजे हम आ गए थे, तो कोई बात नहीं। आज की जो वीडियो है वेडिंग की वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, तो पहले आप वो देख लीजिए। तो ये फोटो जो थी उसकी मैंने पेंटिंग बनवाई थी और अश्विन को सरप्राइज दिया था, तो इसका जो फोटो बना के मुझे भेजा था, तो ये उसका और ये फाइनल टच है, तो ऐसी पेंटिंग बनी है। अभी हम आए मेरी ननद के घर पे, मासी के घर से, और यहाँ पर मेरी ननद आज गए थे, ज्योति बहन गए थे भवनाथ शिवरात्रि का मेला करने के लिए, लेकिन वो पूरा सुबह 8 बजे से गए थे, अभी 2:30 बजे आए, फिर भी थके नहीं है देखिए। और हम तो कल 10:30 बजे गए थे, फिर भी थक गए थे। और आज तो संडे की वजह से वहां पर ट्रैफिक भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि सब लोग को छुट्टी रहती है तो ज्यादा लोग मेले में जाते हैं इसलिए। तो हमारी शादी के 2 साल पूरे हो गए हैं आज, तो 2 साल की जर्नी कैसी रही, हो 2 साल का सफर कैसा रहा, आप क्या कहोगे? मैं है ना दो साल के सफर में सब लोगों को ऐसा बताना चाहता हूँ, ठीक से बैठो ना। ये सब शादी करके 2 साल में मेरा बीबी मेरे को एक कतरा मारता है और खाने में गरम गरम रोटी देता है, फिर खाना खाके फिर मारता है, जब तक पसीना ना छूट जाए उतना मारता है, लेकिन फिर भी शादी में बहुत मजा आता है। अब ठीक तरह से बताओ, कॉमेडी तो हो गया, चलो सो कि 2 साल का हमारा मैरिज का मैरिज लाइफ कैसी रही, ये सफर कैसा रहा, आपको क्या लगा? उसमें लगना क्या है, अपना तो 2 साल के शादी हुआ, वैसे तो सगाई हुआ कितना टाइम हुआ? मैरिज से 8 महीने पहले, 8 महीना हमारी सगाई रही थी, तो तब से लेकर सफर तो बढ़िया एकदम रहा, कि जैसे स्वर्ग इधर ही है, जैसे खाने में और कामकाज में सब लगा, सब तरीके से बीवी अपना अच्छा ख्याल रखती है, उसका भी रखती है और उससे ज्यादा हमारा रखती है, सर्व परिवार का, ऐसा नहीं मेरा अकेले का, सर्व परिवार का बहुत ख्याल रखती है, मम्मी पापा भाई भाभी सबका, बच्चा होगा सबको पालता है, ठीक से संभालता है परिवार को। वैसे तो हमारे तीनों भाई का सब सही है, उसका क्या मैरिज लाइफ, सबका बीबी सबका सब ख्याल रखता है, एक बीजा सब जो हम कैसे कहते हैं ज्वाइंट परिवार ऐसे, इसीलिए कल जो हमारे वीडियो सब देखते हैं उसके लिए यही बोलना चाहता हूँ, जैसे सर्व परिवार में खुशी रहना चाहिए। हाँ आता है थोड़ा तड़का सा है जैसा, लेकिन उसको संभालने का जिम्मेदारी अपना रहता है, कैसे संभालने का, वैसे झगड़ा भी होते है और मस्ती भी होती है, लेकिन झगड़ा ज्यादा चलता नहीं है हमारा, 1 घंटे बस, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। तो हमारा पूरा जॉइंट फैमिली है, तो उसमें सबसे बड़े हैं बाबा बुजी, तो मेरे सास ससुर, और तीनों भाइयों में सबसे बड़े हैं मेरे जीजू, उसका नाम है नितेश भाई, फिर बीच वाले है विठल भाई और छोटे है अश्विन, और सबसे बड़ी मेरी जीजी है, फिर है भारती भाभी और फिर मैं, और तीनों बच्चे हेत धरती और हिरवा और निकुंज भाई, हम इतने लोग सब साथ में रहते हैं। हम अभी हमारा होटल का बिजनेस हमने यहीं पे स्टार्ट किया है जूनागढ़ में, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन हर रोज उनसे बात तो करते ही है, डेली उसका बच्चों के साथ और सबके साथ वीडियो कॉल करते है, तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आती है, लेकिन सब अपनी समझदारी से आगे बढ़े तो शांति से ज्वाइंट फैमिली में बहुत मजा आता है रहने में, अकेले रहने से ज्यादा ज्वाइंट फैमिली में मजा, तो ऐसा है सबके जीवन में सुख दुख तो आता ही है, लेकिन समझदारी से उसको कैसे उसमें से कैसे बाहर निकले और कैसे शांति से रहे, तो बस यही है जीवन का सार। तो आज का वीडियो हम यही मैसेज के साथ एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ,
तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो जो शिवरात्रि का मेला करने नहीं आए हैं वो जूनागढ़ जरूर आइए। मिलते हैं कल, बाय।